महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर एक बार फिर से शिवसेना और कांग्रेस के बीच विवाद हो गया है। सांगली लोकसभा सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल की हुई हार के बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस से खासे नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की इस नाराजगी की वजह कांग्रेस द्वारा शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल की जगह निर्दलीय विशाल पाटिल को वोटिंग के दौरान सपोर्ट करना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने गुपचुप तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल की मदद की, जिसके चलते विशाल पाटिल भारी मतों से जीत गए और शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल की करारी हार हुई। कांग्रेस के इस कदम से उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं। सांगली के स्थानीय नेताओं ने जो रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को दी है उससे साफ जिक्र किया गया है कि कांग्रेस के वोट चंद्रहार पाटिल को ट्रांसफर नहीं हुए और स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने उनकी बजाय विशाल पाटिल की पूरी तरह से मदद की। दरअसल सांगली लोकसभा सीट को लेकर चुनावों के पहले से कांग्रेस और शिवसेना में तानाताही चलती रही है। परंपरागत सीट की वजह से कांग्रेस वहां से विशाल पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन शिवसेना ने बिना सहयोगियों से चर्चा किए चंद्रहार पाटिल को अचानक से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इसके बाद दोनों पार्टियों में जमकर विवाद हुआ था, लेकिन उद्धव अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में ये सीट शिवसेना के हिस्से में जाने से विशाल पाटिल ने विद्रोह करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और मंगलवार को आए नतीजों में वो भारी मतों से जीत भी गए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे और रंकापा शरद चंद्र पवार के विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 48 में से 30 सीट पर जीत मिली है।